हूँ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये जो बाहर इतनी तेज धूप है, इतनी तेज गर्मी है, क्योंकि ये सीजन ही इंडिया में गर्मी का आ गया है, इतनी तेज गर्मी चल रही है, उससे किस तरीके से अपने स्किन और हेयर को बचा सकते हैं। तो गाइज, बहुत सारे लोग तो अभी घर के अंदर छुपे बैठे होंगे, बाहर धूप में निकलते नहीं होंगे, बिकॉज जो स्किन कॉन्शियस है वो बाहर निकलते ही नहीं। बट गाइज, आपको मैं जो टिप देने वाला हूँ उसके साथ साथ आप बाहर अपने काम पे भी जा सकते हैं, आप बाहर धूप में घूम सकते हैं, पर प्रिकॉशन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप सनस्क्रीन होती है। कभी भी जाइए बाहर, आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगाइए। ये आप बोलेंगे तो आप सबको पता है, आपने नया क्या बताया था। साथ में ओरल सनस्क्रीन, खाने वाली सनस्क्रीन है वो भी खाइए, वो आपको धूप के डैमेज से 6 to 7 hours तक फुल बॉडी को बचा के रखेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर जब भी धूप में जाएँ तो खूब सारा पानी पी के जाइए, खूब सारा आपको बॉडी को हाइड्रेट करना है, बिकॉज जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो बिकॉज वहाँ पे गर्मी इतनी है तो आपको पसीना निकलता है और एंड बॉडी का जो गंदगी है वो पसीने के थ्रू बाहर निकलती है और बॉडी अपनी जो बाहर गर्मी से अपने शरीर को जो है महसूस होता है ठंडा करती है वो पसीने के थ्रू करती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी से सॉल्ट भी निकलता है, तो खूब सारा पानी पीजिए और साथ में नमक एंड शक्कर का घोल भी लीजिए, लाइक या तो नींबू पानी भी पी सकते हैं, उससे भी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं आएगी। और साथ में जब पसीना निकलेगा तो वहाँ से गंदगी भी आपके पोर्स से निकलेगी तो आपकी स्किन भी और साफ हो जाएगी। तो डिहाइड्रेट नहीं करना है बॉडी को, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डिहाइड्रेट होगा तो आप में कमजोरी आ जाएगी। साथ ही साथ अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो स्किन भी खराब सी दिखने चालू हो जाएगी, क्योंकि मुरझाई मुरझाई सी। इसके बाद बाहर जब घूम के बाहर जब घर पे आए तो अच्छे से फेस को क्लीन कीजिए, क्योंकि धूप में धूल मिट्टी में जब पसीना निकलेगा तो बहुत सारी गंदगी भी चिपकेगी। अगर गंदगी चिपकेगी तो वो आपके पोर्स को क्लॉक करेगी, पोर्स क्लॉक होंगे तो वापस से एक्ने आएंगे, पी एक्ने बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो होंगे और वो एक्ने कॉज करेगा। तो उसको बचना है। इसके साथ अंदर से कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी ग्लोइंग स्किन दे सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये तो था बाहर से आपको साफ करना, क्लीन करना, अप्लाई करना, कुछ कुछ बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खान पान, जो हम खाते हैं। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब हम इतने ज़्यादा बाहर धूप में जाते हैं तो इतने पॉल्यूशन में जाते हैं और इतने ज़्यादा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के टच में जब जाते हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज एंड ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है उसके कारण बॉडी और जल्दी एजिंग करती है और स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। जब यूवी रेज में जाते हैं तो टैनिंग होना चालू हो जाती है, स्किन एजिंग, रिंकल, सब कुछ आना चालू हो जाता है। तो इससे फाइट कैसे करें, इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारे अमाइनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स, जो आपको इन सब डैमेज से बचाएगा, बिकॉज दे आर ऑल एंटी ऑक्सीडेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लड़ने के लिए हमें बॉडी को एंटी ऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं। तो कौन सा खाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा एंटी ऑक्सीडेंट खाएं जो सबसे अच्छा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। अब बहुत सारी कंपनी के आते हैं मार्केट में, बट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, दैट्स न्यू हर्ब का स्किन एंड हेयर, जो मल्टी विटामिन की टैबलेट आती है, मैं ये फॉलो करता हूँ। मैं खुद भी मैंने अभी स्टार्ट किया, लास्ट 2 months मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। मेरे पास बहुत सारी कंपनी के सैंपल्स आते हैं बट मुझे ये अच्छा लगा। मेरे पास और भी बहुत सारे पड़े हैं, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ कुछ ये पड़े हुए हैं, मतलब दुनिया भर की कंपनी से आते हैं, बट मुझे सबसे अच्छा ये इसलिए लगा क्योंकि ये एकदम नेचुरली एक्सट्रैक्टेड चीज़ इसके अंदर ज़्यादा है। इसके अंदर 9 वाइटामिन हैं, इसके अंदर 6 मिनरल सपोर्ट है एंड हर्ब एंड न्यूट्रिशन का ब्लेंड है, विच इज़ नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। आपने कोई टैबलेट खाई, आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी खाया, उसके अंदर अगर वो आपने खा तो लिया, उसमें लिखा है कि उसमें 1000 चीज़ें हैं, बट वो 1000 चीज़ क्या हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पा रही है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर पा रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायो अवेलेबिलिटी और दैट इंग्रीडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाइटामिन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी यूटिलाइज भी करना चाहिए, एब्जॉर्ब करके यूटिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। और किस वे में वो जा रहा है और कितनी बॉडीज को अवेलेबिलिटी बॉडी को मिल रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो ये है, इसके अंदर बहुत कुछ कुछ है और ये पूरा आपका टैबलेट का आता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है। हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन को सबल और एक गुगली गुगली वॉश वाला नहीं होता, एकदम टम्पी लुक देता है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड की टेंडेंसी होती है वो वाटर के एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड वाटर के 1000 मॉलिक्यूल को अपने साथ एब्जॉर्ब चिपका के रखता है। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, जो हाइड्रेशन की अवेलेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। हमारे स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है बट बिकॉज जब हम धूप पे जाते हैं तो वो डिप्लीट होने लगता है, वो डैमेज वो खत्म होने लगता है, तो ये उसको भी वापस से रिचार्ज करेगा। इसके अंदर आपको हर टाइप के न्यूट्रिशन मिलेंगे, विटामिन सी मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और स्किन लाइटिंग एजेंट भी है और हमारे बहुत सारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। अकेला ये स्किन हेयर के लिए नहीं है, ये फुल ओवरऑल
बॉडी की हेल्थ के लिए ये टैबलेट्स है। इसके अंदर विटामिन B12, B6, B1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी को नेचुरल रोल प्ले करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड विटामिन ए है जो आँखों के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है। एंड इसके अंदर फॉलिक एसिड भी है जो खून को और को बढ़ाएगा, आरबीसी को बढ़ाएगा। बायोटिन है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। आपको इसके अंदर विटामिन B12 मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा विच इज़ वेरी गुड फॉर एक्ने। जिंक जब हम लेते हैं तो वो एक्ने भी टेंडेंसी को कम कर देता है, जिंक फाइट करता है एक्ने बैक्टीरिया से। एंड मैग्नीशियम है, कॉपर है, कॉपर हमारे हेयर की ग्रेइंग को रोकता है। अपने आपको देखा होगा किसी को अर्ली एज ग्रेइंग हो रही है, अगर जल्दी बाल वाइट हो रहे हैं, दाढ़ी मूछें वाइट हो रही हैं, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम पेंटोथ्रेट, नॉट कैल्शियम वो बोन वाला, कैल्शियम पेंटोथ्रेट कैल्शियम पेंटोथ्रेट हो गया, बायोटीन हो गया, और ये जो बहुत सारी कॉपर है इनकी डेफिशिएंसी के कारण बाल अर्ली एज ग्रेइंग होना चालू हो जाती है। इसके अंदर आयोडीन भी है, सेलिनियम भी है, ग्लिसिन, एल्सिस्टीन है, ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके अंदर हर्बल ब्रांड में इवनिंग प्रिमरोज ऑयल पावर है, ग्रीन टी लीव एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर टर्मरिक है एंड ब्लैक पेपर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। अब आप देखोगे ये नेचुरली जो हर्ब्स हैं, हम लोग वैसे भी नेचुरल हर्ब्स खाते हैं, खाने में हम लोग लेते हैं, बट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो हम लेते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है और साथ ही साथ ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ में न्यूट्रिशनल ब्लेंड में है पोमीग्रेनेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट, हाइलोरिक एसिड एंड लाइकोपीन विच इज़ लाइकोपीन बहुत इंपॉर्टेंट है सन डैमेज को रोकने के लिए। जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो सन डैमेज जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लाइकोपीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी स्पेशली इन समर पानी खूब पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, साथ ही नींबू पानी वगैरह जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, नारियल पानी, उसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें लीजिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा तो सोडियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने लगेगी, उसके कारण आपको ट्रेमर्स वेमर्स और बहुत सारे चीज़ें दिक्कत आने चालू जाएंगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप जब बाहर धूप में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, जाइए, साथ में ओरल सनस्क्रीम खाइए जो फुल बॉडी को धूप के डैमेज से बचा के रखेगी, फिजिकल सनस्क्रीम लगाना ही है डबल प्रोटेक्शन के लिए। पानी खूब ज़्यादा पीना है, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, साथ जब वापस आए तो फेस को अच्छे से क्लीन करना है, और नाइट सीरम या जो भी पैकअप लगाते हैं वो यूज़ किए, साथ ही साथ ये लेना ना भूलें बिकॉज ये अंदर से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा धूप से फाइट करने के लिए, आपको पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए, आपको एंटी एजिंग में फाइट करने के लिए, और आपके स्किन हेयर को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, वैसे भी आप कहीं भी सर्च करेंगे न्यू हर्ब को स्किन हेयर वायरा में तो कहीं भी मिल जाएगा, मैं फिर भी आपके लिए लिंक डाल दूँ, विच इज़ नॉट वेरी बैड फॉर गुड न्यूट्रिशन। अच्छी कंपनी का लिंक तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और न्यू हर्ब के जो ब्लेंड्स हैं दे आर वेरी गुड, इनके एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, इनमें केमिकल ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं, ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड पार्ट्स हैं जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस वेट क्या करो, फटाफट जाइए और इस पर जाके फॉलो करो, और साथ में फाइट करो धूप से, और कोई भी इशू हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं वहाँ पर आपका वेट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई करने का, मैं करता भी हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है और जिनको नहीं कर पता था सो सॉरी, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। आप अगर कोई बहुत अर्जेंट है और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज तो करते हैं, बट वो बहुत सारे मैसेज में छुप जाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे मेरी कोई फोटो में कमेंट करना चालू कर दीजिए, खुद से कमेंट करिए तो वो मेरे को नोटिफिकेशन दिख जाएगा, मैं फट से रिप्लाई कर दूंगा, वो जल्दी दिख जाता है। तो थैंक यू, बाय एंड हैप्पी समर।